नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। इस बार काफी दिनों के बाद आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं और साथ में मुझे ये नहीं पता था कि मैं गुस्सा हो जाऊंगा, रूठ जाऊंगा तो आप लोगों का इतना प्यार मिलेगा, इतना स्नेह मिलेगा। इस प्यार से, इस प्रेम से मैं एकदम अभिभूत हो गया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये साबित कर दिया कि मैं आपकी फैमिली का एक अभिन्न हिस्सा हूं। अब ये आपकी फैमिली है आनंद भाव, मेरी नहीं है। देखिए, मेरी व्यस्तता बढ़ती जा रही है और मैंने आपको बताया कि मैं दिन के टाइम खुद ट्रेडिंग करता हूं, आप सबको इंटरटेन करता हूं, आपके जवाब भी देता हूं, फिर शाम को 10-15 फैमिली मेंबर से मैं बात भी करता हूं, वीडियो बनाता हूं, एडिटिंग करता हूं, सब कुछ खुद ही करता हूं। तो YouTube में कमेंट बॉक्स में मैं आपको अब जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि जवाब मैं ही देता था, मैंने कोई स्टाफ नहीं रखा था, क्योंकि मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं उसका सही उत्तर मैं ही दे सकता हूं। तो निश्चिंत रहिए, आप लोग YouTube में जो मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो उसमें जो भी आप क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट बॉक्स में, वो सब मैं पढ़ता हूं और उनके जवाब मैं अब नेक्स्ट वीडियो में दे दिया करूंगा। याद है ना आपको, बिना का गीतमाला, सिबा का गीतमाला, फलाने फौजी फलानी दीदी कि ये संगीत की फरमाइश है, इस गाने की फरमाइश है, वो गाना बजा दिया जाता था। तो वैसे ही आप क्वेश्चन पूछिए, मैं आपके उत्तर अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। बस इतनी सी बात रहेगी कि लेटेस्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके प्रश्नों के उत्तर पहले आएंगे, उसके रिप्लाई मैं पहले दूंगा, और जो पुराने वीडियो में आपने कुछ क्वेश्चन किए अगर मुझे दिख गए तो मैं उसको अगले वीडियो में कवर कर लूंगा। अब बात शुरू करते हैं आज की, कि किस लिए वीडियो आया है। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अब बात शुरू करेंगे कि नया स्टॉक कौन सा है जो ITC और बैंक 20 की तरह दौड़ने को तैयार है। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में 29 नवंबर को बता दिया था कि बैंक निफ्टी 35,000 हो जाएगी, तो लोगों ने मुझे बड़ा ट्रोल किया कि कुछ भी बोलता है ये, तो मैं बोलता हूं अपनी बात और परमात्मा पूरी करता है, ये उसका आशीर्वाद है। बैंक निफ्टी 35,000 के ऊपर 36,600 भी हो गया और बैंक 20 जिसको मैंने कहा था बोरे भरकर भरो, 300 से 365 हो गया भाई साहब, 20% से ज्यादा का रिटर्न दे दिया, 22% रिटर्न दे दिया बैंक 20 ने, और अभी कोई पक्का नहीं कि 380-400 हो जाए। लेकिन आप लोग अब प्रॉफिट बुक करते रहे भैया, जो इसके ऊपर पैसा कमाएगा वो कमाओ कमाने दो के सिद्धांत में हो जाएगा। दूसरा, मैंने ITC पे बोला था, उस पर भी लोगों ने कहा कि भाई ये 240 ही पार कर जाए, तो कल 240 का स्तर लगभग छू गई ITC। ITC में मैं बहुत बुलिश हूं, इस बार झोला भर के पैसा कमाएंगे हम लोग ITC में। दो बातें हो गई, बैंक 20 और ITC की तरह अब IRCTC तैयार है, अब ये दौड़ेगा छुक 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 छुक, रेलगाड़ी रेलगाड़ी। अशोक कुमार की याद आ गई, बहुत बढ़िया गाना उन्होंने गाया था अशोक कुमार ने, मतलब उनपे फिल्मांकन हुआ था, गाना था छुक 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 छुक, रेलगाड़ी रेलगाड़ी। तो अब रेलगाड़ी चलेगी और अच्छे से चलेगी, तो इस पे थोड़ी सी चर्चा हो जाए। IRCTC की यात्रा शुरू होती है अक्टूबर 2019 से, 625 से शुरू होता है शेयर और यात्रा खत्म होती है ऊपरी स्तरों पे 1994 पे 25 फरवरी 2020 को। अब मैं भी अपने आम इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जैसे आम इन्वेस्टर होता है वैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। 625 से चलता है शेयर IRCTC का, 1200 हो जाता है, तो मैं कहता हूं यार बहुत चल गया, थोड़ा गिरेगा करेक्शन में तो लेंगे। उसके बाद श्रीमान जी 1500 के हो जाते हैं, मैं कहता हूं अभी गिरेगा तब लेंगे। अब देखिए, मैंने सोचा कि यार गुरु ये गिर नहीं रहा, फोमो का शिकार, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मैंने 1500 में उनको ले लिया, वो गिर के 1300 हो गए। और ये बात है 5 फरवरी की, हमने कहा लगता त्रिपाठी जी फंस गए। इसके बाद वो फिर अपनी यात्रा चालू करता है IRCTC और 1994 तक पहुंच जाता है 25 फरवरी को। लोग कह रहे थे 2000 के पास जाएगा, 2500 हो जाएगा, त्रिपाठी जी 1700-1800 में बेच के निकल गए, जय सिया राम। मार्केट गिरता है इसके बाद। अब त्रिपाठी जी ने यह ध्यान कर रखा था कि IRCTC गिरेगा तो इसको जरूर खरीदेंगे। अब ये बात 18 मार्च की है, मार्केट जो कस के गिरा था वो 23 मार्च को गिरा था, 23-25 मार्च को।
जब निफ्टी ने लो बनाया था 7600 का, तो मैंने इसको पहला शेयर खरीदा 1441 में, थोड़ा और गिरता, देखिए वहां मैंने एक शेयर खरीदा। अब देखिए एक शेयर मैं क्यों कहता हूं खरीदने को, लोग मुझसे पूछते हैं एक शेयर बताते हो, अरे भाई ये मेरा दोस्त बन रहा था, अभी बना नहीं था दोस्त, तो मैंने एक शेयर खरीद लिया, ये टेस्टिंग के लिए, कि नीचे जाएगा तो और एक ले लेंगे, और नीचे जाता है 1221 1221 पे एक शेयर और ले लेता हूं, और नीचे जाता है एक शेयर ले लेता हूं। श्रीमान जी को तसल्ली नहीं होती, श्रीमान जी 25 के पहले करीब मेरे ख्याल से 20 तारीख में और गिरता है ये शेयर IRCTC का, और गिरते हैं 1000 रुपए पे आते, मैं एक शेयर और ले लेता हूं, यहां तो तक तो मैंने एक शेयर लिया। इसके बाद भाई साहब ने लोअर सर्किट लगाना शुरू किया, 950 आए 950 पे, मैंने दो शेयर ले लिए, 815 815 पे आए, मैंने पांच शेयर ले लिए, 774.65 पे मैंने 50 शेयर ले लिए। ये है RPS मोड, रिवर्स पिरामिड स्ट्रेटजी, भाव गिरता जाए क्वांटिटी बढ़ाते रहिए, दिस इज कॉल्ड RPS मोड, रिवर्स पिरामिड स्ट्रेटजी, इसको मैं कहता हूं अपनाइए, छोटे इन्वेस्टर के लिए जिसके पास पूंजी कम है बहुत लाभदायक है, कभी मरेगा नहीं शेयर मार्केट में वो। बहरहाल इसके बाद ये 17 अप्रैल तक करीब जाता है, 1300 1350 तक बाउंस बैक करता है, तो मैं सारे शेयर बेच देता हूं, एक शेयर रोक के रखता हूं जो मेरी खरीद थी सबसे ऊपर वाले टुकड़े की 1441, वो आज तक मैं होल्ड कर रहा हूं एक शेयर। इसके बाद दिसंबर में, 3 दिसंबर को मैं टेलीग्राम में बोलता हूं कि मारुति का शेयर चल गया है और अब IRCT भागने को तैयार है, मेरा बोलना होता है 3 दिसंबर को टेलीग्राम में, और इस समय ईश्वर बड़ा मेहरबान है जो कहता हूं, अब मेरा दोस्त था मैंने पहचान लिया ये चलने वाला है शेयर, तो 1300 1350 1400 वाला शेयर 7 दिसंबर को ही 1720 का हाई बनाता है और 8 दिसंबर को 1800 का हाई बना देता है, इतना चल जाता है शेयर। तो मैं आपको इसमें यह भी टेलीग्राम में मैंने शेयर किया कहीं पे कि देखिए 1675 हो गया, वहां मैंने शेयर खरीदने की बात नहीं की थी, वहां बस मैं यही कह रहा था कि देखो ये शेयर चलने वाला, मैंने कोई बाइंग का नहीं बताया था, बस पहचान में आ गया था शेयर। इसके बाद उसका OFS और सारा कुछ होता है, तो फिर 21 दिसंबर तक करीब 1308 रुपए तक बिक जाता है नीचे IRCTC। अभी फिर ये इसमें मूवमेंटम आया तो कुछ मैं 1300 से 1400 के बीच में, डिस्क्लेमर दे रहा हूं, एक एक दो दो शेयर फिर से खरीद रहा था। अभी कल 5 फरवरी को फ्राइडे को इसका मूवमेंट मुझे समझ में आया, तो मैंने कुछ लोग से कहा कि यार ये शेयर चलने वाला खरीद लो, इत्तफाकन एक कोई मुझे फोन आया था, मैंने कहा ये खरीद लो इसमें तुम इन्वेस्टमेंट कर लो, तो वो बात करते करते भागा, तो हमने कहा बात बाद में करना ले लेना, तो उसने करीब 1541 में लिया है। उसके बाद IRCTC के शेयर ने 1568 का हाई बनाया है और 1555 पे 1555 पे क्लोजिंग दे दी है, शेयर बुलिश है, तैयार है, तो अब की बारी IRCTC की सवारी। देखिए मैं इस बात पे विश्वास नहीं कर सकता कि IRCTC कोई नहीं जानता है, फुल फॉर्म भले कोई ना जानता हो, लेकिन यहां पर रेलवे टिकट की बुकिंग होती है, साथ में इनकी कुछ, इनके द्वारा कुछ ट्रेन्स भी चलाई जा रही हैं, तेजस भी शायद चलाई जा रही है इन्हीं के द्वारा, बाकी जो कैटरिंग की सर्विस है वो IRCTC देती है, तो रेलवे की सारे खान पान की बुकिंग की सारी जिम्मेदारी काफी कुछ IRCTC के पास है, बहुत बढ़िया शेयर है, और क्योंकि अब सब कोरोना वायरस से मुक्त हो रहा है देश अपना, तो इसमें बूम आएगा, तो ये है मेरी पसंद और ये शेयर काफी चलेगा। IRCTC का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, मैंने भी अभी गूगल से पढ़ा है भाई, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, वैसे कैटरिंग का तो मालूम था, तो ये शेयर हम लोग लेंगे और इसमें अच्छा पैसा कमाएंगे, तो ये शेयर हम लोग को लेना है, और ये अभी मेरा पहला टारगेट है करीब 1790 1790, ये मेरा पहला टारगेट है। इसके बाद 1800 का भी टारगेट आएगा, 2000 का भी आएगा, और इस साल सबसे बड़ा टारगेट 2500, तो IRCTC अब की बार 2500 2500 होना ही होना है, तो हम लोग इस शेयर में खरीदारी करेंगे RPS मोड में। मैं अभी वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा इसका चार्ट कि किस तरह से RPS मोड में 10-10 शेयर खरीदने हैं, जिनका 2-2.5 लाख रुपए बजट हो वो इस शेयर को जरूर खरीदें।
देखिए इस वीडियो में जो ये आईआरसीटीसी का बाइंग चार्ट आरपीएस मोड का दिख रहा है आपको, ये आनंद भाव फैमिली के ही एक हमारे सदस्य हैं, गुजरात के हैं, राजकोट गुजरात के संदीप पटेल, ये उनकी मदद से मुझे मिलता है, मैं उनसे बता देता हूं रेट, वो मुझे बना के हेल्प कर देते हैं, दे देते हैं, तो इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संदीप पटेल जी राजकोट गुजरात से। आपको मेरे द्वारा इस वीडियो में कही गई बात अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके मुझे इनकरेज करिए, मेरे वीडियो को अपने इष्ट मित्रों को शेयर करिए और आनंद भाव चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल बटन जरूर प्रेस करिए जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।